नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 108वां एपिसोड। आज है 4 नवंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2020 को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। दोस्तों कई बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स प्लेऑफ को लेकर है और सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को फटकार लगाई है, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। सारी खबरें बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देंगे। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल से जुड़ी हुई। वेलोसिटी और सुपरनोवा, ये दो वुमेन्स आईपीएल की टीम है और आज इनका मैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज आईपीएल मेन आईपीएल जो होता है उसका कोई मैच नहीं होगा, लेकिन इस मैच में, आज के दिन इस मैच में वुमेन्स टीमें, महिला टीमें भिड़ने वाली है। इसकी कवरेज भी स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर, डिज्नी हॉटस्टार पर होने वाली है। एक बड़ी चीज दोस्तों और बता दूं कि मुंबई और दिल्ली के बीच क्वालिफायर होने वाला है, पहला क्वालिफायर, और उसके लिए दादा के खिलाफ, सौरव गांगुली के खिलाफ आप टीम जरूर बना लीजिएगा क्योंकि अब बहुत कम मौके आपके पास बचे हुए हैं। दोस्तों दादा अपनी टीम बनाने वाले हैं माई इलेवन सर्कल ऐप पर, और अगर आप दादा की टीम को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का डबल पैसा, दुगना पैसा मिलता है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, बराबर जाइए माई इलेवन सर्कल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहां पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए का फ्री कैश बोनस, मुफ्त में 1500 रुपए आपको मिल जाएंगे। 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप में से किसी एक के पास हर हफ्ते मौका रहता है 1 करोड़ रुपए जीतने का, आखिरी हफ्ता चल रहा है, हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए। दोस्तों गांगुली, सौरव गांगुली, दादा खुद यहां पर टीम बनाते हैं, वॉटसन और राशिद खान भी यहां पर टीम बनाते हैं। पैसे डालना और निकालना और प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग आप देख पा रहे होंगे, नाम देख पा रहे होंगे, जीत भी चुके हैं, तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों पहली खबर भी देख ली, अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इस ऐप को तो आप डाउनलोड करेंगे ही, लेकिन दूसरी खबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आ रही है पाकिस्तान से। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने आईपीएल पर बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्पोर्ट्स शुडंट बी विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने ये भी कहा है कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने चाहिए, और इसे बैलेंस करते हुए बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि पीएसएल के अंदर भारतीय खिलाड़ी खेलने चाहिए। सीधा सीधा उनका बयान यही था कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नहीं खेलने से पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे प्रोफेशनल लीग है, और इसके जरिए बहुत सारे प्लेयर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स उससे वंचित रह रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है वो आप कमेंट में बताइए, क्या पाक प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई स्टार स्पोर्ट्स के हवाले से। स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल के प्लेऑफ के लिए अपने एड रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। 15% का इंक्रीज किया है स्टार स्पोर्ट्स ने अपने एड रेट्स में। दरअसल दोस्तों पूरा मसला यह है कि स्टार स्पोर्ट्स ने पूरे आईपीएल के लिए जो एड रेट्स दिए थे, मतलब मिनट के हिसाब से जो ऐड चलते थे, हर मिनट का पैसा स्टार स्पोर्ट्स कंपनीज से लेता था, उसमें 15% का इंक्रीज किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आईपीएल एक ग्रैंड सक्सेस बनकर आया है। इस साल का आईपीएल बहुत सारे लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जहां ज्यादा लोग देखेंगे वहां पैसा बरसेगा, और इसी को देखते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने एड्रेस बढ़ाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई सौरव गांगुली के हवाले से। आईपीएल की नीलामी को लेकर आखिरकार सौरव गांगुली ने बयान दिया है। क्या मेगा ऑक्शन होगा, क्या मिनी ऑक्शन होगा, इस पर बयान देते हुए सौरव गांगुली ने साफ कहा है कि विल टॉक आफ्टर फाइनल। आईपीएल के फाइनल के बाद सौरव गांगुली और बीसीसीआई की जो टीम है वो बात करेगी कि आईपीएल ऑक्शन किस तरह से रखा जाए। जो हमारे पास रिपोर्ट्स है, आईपीएल ऑक्शन होने वाला है, मिनी ऑक्शन होगा, मेगा ऑक्शन होगा, इस पर आगे बातचीत की जाएगी। मोस्टली चांसेस यही है कि मिनी ऑक्शन होगा, क्योंकि आईपीएल की बहुत सारी टीमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेगा ऑक्शन के लिए तैयार नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है भाई रोहित शर्मा के हवाले से। सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर इससे कई सारे खुलासे हुए हैं। दोस्तों आईपीएल का आखिरी मैच एसआरएच और मुंबई के बीच था, और इस मैच में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो फिट है, लेकिन वो फिटनेस ग्राउंड पर उनकी दिखी नहीं थी, और इसको लेकर सौरव गांगुली ने साफ साफ उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने साफ कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित और ईशान का चयन तभी होगा जब वो 100% फिट होंगे।
इसका साफ मतलब यह है कि वो आखिरी जो मैच हुआ था एसआरएच के साथ उसमें वो 100% फिट नहीं थे, तब भी वो जाकर खेले। और टीम इंडिया रवि शास्त्री ने भी यही कहा है कि उनकी जो इंजरी है वो इतनी घातक है कि उन्हें अगर वो खेलते हैं 100% फिट हुए बिना तो फिर से वो इंजर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो वर्किंग लैग है उस पर ही वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। तो बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी खबर यही है कि रोहित शर्मा 100% फिट नहीं है। गांगुली का बयान तो यही साफ साफ दर्शाता है, और दादा का बयान गलत नहीं होता, ये हमने पिछले 6 महीनों में देख लिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है भाई एसआरएच की टीम के हवाले से। दोस्तों एसआरएच ने सारे समीकरण बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, क्योंकि एक दफा जो कहा जा रहा था एसआरएच नंबर 7 पर बैठी हुई थी 5 दिन पहले, वो नंबर 3 पर फिनिश की है। बड़े अंतर से मुंबई इंडियंस को इन्होंने हरा दिया है और नंबर 3 पर एसआरएच की टीम आ गई है। आरसीबी की टीम को कैसे इन्होंने दिक्कत में डाला है वो आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात यही है कि एसआरएच, आरसीबी, मुंबई और दिल्ली प्लेऑफ खेलने वाली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। सीएसके विल फॉर्म अ न्यू कोर ग्रुप, एमएस धोनी का बड़ा बयान आया। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक नया कोर ग्रुप बनाने की तैयारी में, और जैसा हमने कहा था कि बड़े खिलाड़ियों का संन्यास होगा। कोर ग्रुप क्या होता है पहले दोस्तों ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों होता यह है कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं, हर टीम के पास 5 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि मेन प्लेयर्स होते हैं, और उन खिलाड़ियों के बदौलत टीम जो है उसके अराउंड अपनी प्लेइंग 11 बिल्ड करती है। और अगर यही कोर ग्रुप फ्लॉप हो जाए तो आपकी टीम फ्लॉप होने लगती है, जैसा कि हमने इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के केस में देखा। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का प्लान यह है कि वो नए खिलाड़ी को लेकर आएंगे। धोनी ने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ और सैम कुर्रन उनके कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे, धोनी खुद उस कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे, जडेजा उस कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे। तो चेन्नई, एक नई चेन्नई हमें अगले साल दिखने वाली है, धोनी का बयान तो यही दिशा निर्देश दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की, ये प्लेऑफ से जुड़ी हुई है। भाई प्लेऑफ को एक्सप्लेन करेंगे अब इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, प्लेऑफ अब कैसे चलेगा, क्या होगा वो समझ लीजिए, क्योंकि आरसीबी थोड़ी सी दिक्कत में आ गई है, जैसा वो पिछले 1 हफ्ते पहले नहीं थी। टॉप 2 टीमें हैं दोस्तों दिल्ली और मुंबई, इनके बीच पहला क्वालिफाई कर खेला जाएगा, उसमें जो भी जीतेगा वो सीधे फाइनल में चले जाएगा, जो हारेगा वो आईपीएल प्लेऑफ से बाहर नहीं होगा, वो जाएगा सीधा सीधा एलिमिनेटर में। और आरसीबी इसलिए फंस गई है क्योंकि आरसीबी को जो है दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। आरसीबी अगर जीत भी जाती है एसआरएच के खिलाफ तो उन्हें एलिमिनेटर में फिर से क्वालिफायर 1 की हारी हुई टीम के साथ भिड़ना पड़ेगा, और वहां से फिर उन्हें फाइनल में जाना पड़ेगा। मतलब यहां से नंबर 3 नंबर 4 पर जो मौजूद टीमें हैं उन्हें बचे हुए सारे मैचेस जीतने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगी। टॉप 2 की टीमों को एक कह लेना लेवरेज रहता है कि उन्हें एक मैच हार भी गए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से अब गणित बैठा हुआ है, आरसीबी उसमें फंस गया क्योंकि आरसीबी टॉप 2 का दावेदार था, जो कि अब नंबर 4 पर फिनिश हुआ है एसआरएच की बड़ी जीत के साथ। ये प्लेऑफ अब रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 9वीं बड़ी अपडेट की, ऑरेंज कैप के हवाले से आ रही है। भाई अब वार्नर भी कूद गए रेस में, धवन भी कूद गए हैं, और अब केएल राहुल की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी वो तो समय बताएगा, आप जरूर बताइए आपके हिसाब से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब समीकरण ऐसे लग रहा है कि वार्नर भी कूदे हुए हैं और धवन भी जीत सकते हैं ऑरेंज कैप, जो कि एक बहुत बड़ा कहने ना टर्न अराउंड ऑरेंज कैप की दौड़ में होगा। अगर पंजाब पहुंच जाती ना तो डेफिनेटली केएल राहुल जीतने वाले थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है भाई पर्पल कैप के हवाले से। पर्पल कैप की अपडेट आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बुमराह वर्सेस रवाड़ा हो गया है। एसआरएच के खिलाफ खेले नहीं थे बुमराह, वरना उन्हें क्रॉसओवर कर भी जाते। हालांकि दोस्तों अभी 2 मौके और मुंबई के पास है, और उसमें बुमराह अपना करामात दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो निकल कर आई। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स दिया आपके लिए, तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।